हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो जेके सोशल वैली फेयर की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट है, जिसमें कि जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे स्टूडेंट, तो उनकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर को रखी गई थी। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली कई स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सके, बिकॉज़ इन्होंने टाइम लिमिटेड रखा था और आपकी फाइनल दैट इज़ फिफ्थ सेम की एडमिशन्स अभी चल रही है उनकी उनकी इस मतलब 25th को लास्ट है। अभी कई स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं करवाई थी, कई के पास उनका बजट के फाइनेंस के फाइनेंशियल कंडीशन की तरह वजह से वो एडमिशन नहीं करवा सके थे। उन्होंने कहीं से उधार पैसे लिए थे, कहीं से कहाँ से मतलब कि जुगाड़ करके तो वो एडमिशन करवाई थी। तो उनको एक उम्मीद थी कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और उनकी जो अमाउंट थी उन्होंने एडमिशन के लिए दिया वो उनको 4 महीने के बाद मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15 तारीख वो अप्लाई नहीं कर सके। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि सोशल वेलफेयर की फिर से आप जेके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना देख सकते हो कि उनका लिंक फिर से एक्टिवेट हो चुका है कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका हमारे पास नोटिस नहीं आया कि कब तक मतलब ये एक्सटेंड कब तक हुई है, ऐसे मुझे पता चला है कि किसी सर ने बताया कि ये 15 नवंबर तक आपकी ये लास्ट डेट है, 15 नवंबर तक लेकिन इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आप किस हेल्प करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं वहाँ से आपसे नोटिफिकेशन लेकर अपलोड कर दूँगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अभी हम जहाँ पे देख सकते हो पोर्टल फ्रेश रिन्यूअल। एक यही है कि अगर एक और डाउट आ रहा था कि अगर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन पे क्योंकि साइबर कैफे वाले गलत भर रहे हैं तो फ्रेश एप्लीकेशन पे दबाना है। अगर आपने रिन्यू अगर आपको स्कॉलरशिप प्रीवियस किस साल में मिली है तो आपको रिन्यू पे दबाना होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करना होगा क्योंकि अगर यह स्कॉलरशिप आपकी गलत हो जाएगी तो जो मिस इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए और फिर से बता दें कि आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, अभी आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करना है और अपने इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन करा के फिर उसके बाद अपना आप स्टेटस चेक कर सकते हो जेके ऑफिशियल पोर्टल पर। ठीक है, तो इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, और दो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना क्योंकि आपको जिस तरह आप परेशान थे वो भी परेशान होगा, उनकी परेशानी का हल निकलेगा बिकॉज ऑफ योर वन शेयर। ठीक है, आप किसी मदद करते हो तो आपकी मदद ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनकी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस। हमने बता दी कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन रिन्यूअल कौन से होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट आप नहीं मिली है तो फ्रेश पे क्लिक करना, अगर मिल चुकी है कहीं पहले तो रिन्यूअल पर क्लिक करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो, साइबर कैफ़े की मदद से भी फॉर्म भर सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं कि इसका फोटोग्राफ होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट इज़ स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल, अब इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप लाइए, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बीसी एससी है या एसटी है। ठीक है, उसके बाद ईबीसी के लिए वो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, आधार नंबर होना चाहिए, आपकी आधार नंबर होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप हो सकते हैं, अपने जो फीस रिसिप्ट है वो चाहिए। अब ओरिजिनल बात बता दें, आपका फी रिसिप्ट एफिडेविट जो आपके ओरिजिनल ही चलते हैं और इसका इनकम सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल चलते हैं, हॉस्टल की अगर फीस है वो लगा सकते हैं आप, अटेस्टेड फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, एफिडेविट आपको पता ही है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसके साथ अटैच करने हैं और अपलोड करने हैं वाइल अप्लाइंग। ओके, तो हम कैटेगरीज की बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी कैटेगरी आती है स्कॉलरशिप में, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दैट इज़ पीएमएस जो कि सोशल वेलफेयर में है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है शेड्यूल कास्ट दैट इज़ एससी के लिए होती है, सेकंड नंबर पे आता है अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए, थर्ड नंबर पे आता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी इसको बोला जाता है ईबीसी, फोर्थ नंबर फिजिकल है फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन पीसीपी, देन लास्टली आता है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक दैट इज़ डीएनटी।
जो गद्दी उद्दी होती है वो भी इसमें आते हैं। तो ये पांच छह कैटेगरीज है इसमें, इसके अंडर आती है पोस्ट मेरिट स्कॉलरशिप के अंडर। अभी माइनॉरिटी की बात कर लेते हैं तो उसकी भी आप कमेंट सेक्शन में बोलना हमें, उसके रिगार्डिंग हमें वीडियो अपलोड कर देंगे क्योंकि उसकी भी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो वो भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें आपका क्या क्या रहने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फीस सब कुछ हम उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को कम से कम एक शेयर जरूर करना किसी एक स्टूडेंट के, नीडी स्टूडेंट के साथ पहुँचे और उसकी हेल्प हो सके, क्योंकि अपने अपनी जेब से नहीं पैसे देने हैं, ये गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है, तो किसी नीडी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी आपके एक शेयर से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर से बोलता हूँ, और वीडियो को सॉरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, थैंक यू।